बुलेटिन आरंभ करिबा से दुखद खबर रु गंजाम जिला गोलंथरा तुलु रास्ता रे एक बड़ धरणर दुर्घटना घटी। 11 केवी विद्युत तार लागि एक बस जळी जाई। दुर्घटना रे 9 जणकर मृत्यु घटितबा सूचना मिली। घटनास्थल रे 6 जणकर मृत्यु घटितबा बेले एमकेसीजी मेडिकल रे अन्य 3 जणकर मृत्यु घटी। 20 अधिक यात्री गुरुतर भाव आहत होती। एमकेसीजी और एससीबी को स्थानांतर कर पुलिस दमकल और स्थानीय लोके उद्धार कार्य सामिल थे। ब्रह्मपुर गोलंथरा थाना टंकलपाटू सिल्की सिटी नामक एक बस घर बस 40 जन यात्री को नहीं चिकरडा को जाऊला। एक निर्बंध उत्सव में जोगदेवा को टंकलपाटू एक गाँव लोके जाते मेढ़ा रजापुर निकट में गाँ रास्तार जाता बेले बस टी 11 केवी विद्युत तार संस्पर्श आसी जाता फल बस टी हठात जली उठी। गाड़ी में लोके जीवन विकल में चित्कार करने बाहर को बाहर को चेष्टा करते हेले विद्युत संजोग थिबारु केही सहजरे बाहरी पारि नथिले। एपरिकि बस भितर दळा चकटा भळी परिस्थिति मध्य सृष्टि होइतिला। लोकंक चित्कार शुणी स्थानीय लोके आसी विद्युत संजोग काटिबा सह बस रु निया लिभेबाकु चेष्टा करथिले। खबर पाई 10 रु ऊर्ध आंबुलांस 5 रु अधिक दमकल एवं 10 रु अधिक पुलिस गाड़ी उद्धार कार्य नियोजित होइतिले। पुलिस घटना तदंत चलिथिबा बेले विद्युत तार एते पाखरे किपरि जाइथिला ताहाकु नै एबे लोक प्रश्न उठाइछन्ते। बोली मु किछि जानिनि से भितरे गहली गहली हुआ हुआ हल्ला कौन है कौन है कौन है कहल दि तीन टा माइकना तल को पड़िले पड़ा पर मुझे पचारि से कौन है लालमा कह कौन मोर करेन्ट आड़ ध्यान नहीं से मैंने कि कहले दौड़ी पड़े बाकी दि चार जन तले पड़े तल पड़ी शुई पड़ते तल पड़ी शुई पड़े बोले कौन यहाँ गोटे आश्चर्य घटना मोर करेन्ट आड़े ध्यान ना बुझे ना ताप कौन है मुझे केतोटा पिला को हल पटे सैड पटे दौंस रक्षा कर बोले मुझे देखिए पिला कहे साहय करा कहीं हाथ बढ़े दीटा गोटे छुआ को ओल्लैदे द्वितीय छुआ ओल्लैदी तृतीय छुआ को ओल्ल कह बास मत फपाड़ी तापर मत माड़ है माड़ा टाबाटा थी धरली माड़ी बस ब्लड मत किए आज से जान नसे बस करेन्ट लगे ना आज ना करेन्ट बोली किमी जानवा जो सीरीयस अच्छा कटक रे फर्दर ट्रीटमेंट पाई पठाई जाए 9 लोक मानक 9 लोग ये एमकेसीजी रे ट्रीटमेंट चली और बाकी 9 लोग मानकर डेथ हो गला। ये गोटे एंगेजमेंट सेरेमनी पाई जाऊले चिकटी अंचल लोक से जाऊले और ये बस को निया लगे कि एमती दुर्घटना हो जाए। जो से गाँव सरपंच अच्छा से तंकर रिपोर्ट अनुसार 50-55 लोग थे से बस ना ना एमती आम तुरंत निष्कर्ष को आसवा उचित ना एवं प्राइमाफिसी जो निया लगी तार जांच हेला परे ही आम कही पारे कि एक केमिति हे गेला तुरंत सब मेडिकल रे सब भर्ती करालानी एमकेसीजी मेडिकल समस्त में शिफ्ट कराई छी आज्ञा आउ एटा दुखद घटना निश्चित भाव रे गुटे गां को समान बुझी काय पई जो नेगोशिएशन बुझी नेगोशिएशन पई जाउथले गुटे गां मेन रास्ता तो नहीं रे गां भितरु जाउथले एथि 11 लाइन ता क्रॉस जो करजी सेटा कोन लाइन ता तळकु हो जाईतला जोटा कि से गाड़ी ऊपर जो जिनस पत्र रखा जो अच्छी स्टैंड से स्टैंड रे बाजिकरी छिंडीगला तार आती गाड़ी जड़ी जाती दुखद घटना घटी तेनाली तदंत निर्देश दे सारे तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तदंत कर रिपोर्ट देवाई जदि तार झुली को परिस्थिति रे तार झुलिकी मैंने किसी विद्युत विभाग करना झुला अवस्था भितर ड्राइवर केमती गाड़ी चलेगी से बटे गला तार गाड़ी टा लगला बहुत यहाँ तदंत सापेक्ष तदंत हो जो मैंने दायी हे जेहेतु एत बड़ जीवन हानि घटी से निश्चित भाव दायी कर दंड विधान इन अधिक सूचना दबा कामसत फोन ने जोड़ी छना प्रतिनिधि सुरजीत पंडा। सुरजीत वर्तमान स्थिति कौन अछि? निश्चित रूप से देखो जत बस दुर्घटना घटी निर्बंध कार्यक्रम को जाऊता बेले एक दुखद घटना घटीला खेलुआपल्ली निकट में जहाँ कहते हैं कनीसी और टूल रास्तार खेलुआपल्ली निकट दुर्घटना घटीला जे बड़ बस टी जो जाऊला से विद्युत संस्पर्श आसी घटना घटीला और घटनास्थल गंजाम जिलापाल जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन नेता और समस्त स्थानीय बासिंदा पहुंची उद्धार कार्य करते ब्रह्मपुर एमकेजी मेडिकल जो भाई सूचना रही जिलापाल सूचना दूसरे बर्तमान सुधा 9 जन
ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶବ ସଂସ୍କାର ପରେ ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯେ ବସ୍ଟି କିଭଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଓହଳିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କଣ କରୁଥିଲା ଏ ତମାମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହାର ଦୋଷ ରହିଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରଜିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି 9 ଜଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ କି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଭଳିଆ ଇଞ୍ଜୁର ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁର ବୋଲିକି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସ୍ର ଯୋଉ ଲୁହା ଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ଧରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଗୋଡ ହାତ ପିଠି ଏବଂ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁର ଅଛି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତଥାପି ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଉ ମୃତାହତ ନ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେମିତି ଆଉ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଯେତିକି 9 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରଜିତ